आप सब कैसे हैं। आज सिखाऊंगी ये न्यू डिजाइन की मछली वाला डोरमेट। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा ज्यादा वीडियो शेयर करें। चलिए मैं स्टार्ट करूँ। कलर लिए हैं मैंने और ये एक नंबर की सिलाई यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखें, इस तरह से हमें ये देखें नॉट लगानी है। एक फिंदे को बनाएंगे पहले, ये देखें इसको इस तरह से खींच लेंगे। इसको देखें इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पे देखें इस तरह से अंटा लगाया, एक फिंदे को मैंने बढ़ाया। अब फिर से देखें एक अंटा लगाया, फिर से बढ़ा लिया फिंदे को। इस वाले फिंदे को इस तरीके से बुन लेंगे। अब देखें यहाँ पे हमने फिंदे को बढ़ाया और इस वाले फिंदे को बुन लेंगे और इसको बुन लेंगे, ये देखें। अब देखें फिर से इस तरह से अंटा लगाते हुए एक फिंदे को बढ़ाया तो यहाँ पे दो फिंदे हो गए। अब यहाँ पे देखें इस तरह से वाइट कलर लगा लेंगे। अब ये वाला इस तरह से बना लेंगे। अब इधर से देखें एक फिंदे को फिर से बढ़ाया और जो वाइट वाले हैं वो हम वाइट कलर से बनाएंगे। और ये वाले फिंदे हैं वो इस वाले कलर से बन जाएंगे, ये देखें। फिर से देखें एक हम सीधी सिलाई में फिंदे को बढ़ा रहे हैं और एक उल्टी सिलाई में। इधर से हमारा उल्टा है तो इस तरह से हम बढ़ा लेंगे। अब एक फिंदे को बचा है ये, तो इसको ये वाइट होता जाएगा। अब देखें इधर से दो फिंदे हो जाएंगे जब हम इधर से बढ़ाएंगे, तो दोनों तरफ दो दो फिंदे हैं ये पिंक कलर के। बाकी फिंदे बीच में जो चल रहे हैं वो वाइट कलर के चल रहे हैं। ये देखें इस तरीके से। अब फिर से देखें इधर से हमने फिंदे को बढ़ाया, यहाँ पे हमने ये पिंक वाला है वो वाइट कर लिया। एक इधर से हम वाइट कर लेंगे और एक फिंदे को इधर से बिन लेंगे उल्टी तरफ से, और सीधी साइड से हम एक फिंदे को बढ़ा लेंगे, ये देखें। इसी तरह से हम फिंदे बढ़ाएंगे। तो फिंदे बढ़ा लेती हूँ फिर आपको आगे का बताती हूँ। मैंने फिंदे बढ़ा लिए हैं। अब यहाँ पे देखें कितने फिंदे बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 20 फिंदे हमने बढ़ा लिए, एक फिंदे को हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पे टोटल बराबर फिंदे हैं। तो अब आगे देखें यहाँ से लेके, अब देखें इस तरह से हमने फिंदे को अभी बराबर बढ़ाना है। इस तरह से हमने ये वाला कलर लगा लिया। अब सारे फिंदे हैं वो पिंक हो जाएंगे। ये देखें हमने पिंक कर लिए, सारे फिंदे पिंक हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इधर से हमें इसी तरह से फिंदे को बढ़ाते जाना है। तो यहाँ पे मैं 4 सिलाई निकालूंगी, ये दूसरी सिलाई मेरी निकल रही है और दो सिलाई और इसी तरह से निकाल लेती हूँ।
फिर मैं आगे की डिजाइन आपको बताती हूँ। देखो हमने चार सिलाई निकाल ली, एक दो, तो इधर से लाइनें देखें दो बन गई हैं और दो लाइनें इधर से। अब देखो हमें अभी फिंदे को बढ़ाना है, तो यहाँ पे देखें दो दो फिंदे बना लिए। अब दो फिंदे हम इस वाले कलर से बनाएंगे, दो फिंदे फिर से इस वाले कलर से, दो फिंदे इस वाले कलर से, वाइट पिंक इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करूँगी। तो एंड तक कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखें साइड पे एक फिंदे को बचाया है, तो सीधी तरफ से एक फिंदे को बढ़ा लेंगे। तो साइड पे ये पिंक फिंदे रहना चाहिए दोनों तरफ। अब देखें इस तरह से अंटा लगाते हुए इसको बढ़ा लेंगे, तो दो फिंदे हो गए। अब जो जैसा कलर है वैसा ही हम बुनते जाएंगे। ये देखो इसी तरह से बनाना है, तो एंड तक बना लेती हूँ फिर मैं आपको। हमने डिजाइन को डाल लिया है। अब देखें आगे की तरफ अभी हम फिंदे को बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे देखें तीन फिंदे हो गए और दो फिंदे ये, और तो पांच फिंदे हो गए। यहाँ पे ये पिंक है तो पिंक ही रहेंगे, यहाँ पे हमें कलर चेंज नहीं करना है। अब कलर हम यहाँ पे चेंज करेंगे, ये देखें सिलाई के एंड तक इसी तरह से बनेगा। तो बना लेती हूँ, देखें इधर भी पांच फिंदे हो जाएंगे। इस तरह से अंटा को सिलाई पे चढ़ाना है और इस तरह से बुनना है, तो पांच फिंदे इधर से, बाकी फिंदे जो डिजाइन के हैं वो इसी तरीके से बनेंगे। तो मैं बना लेती हूँ सिलाई के एंड तक फिर मैं आपको आप देखें। अब हमें यहाँ पे एक फिंदे को और बढ़ाना है। अब यहाँ पे मैं चार फिंदे बिनूंगी, ये देखें। अब फिर से कलर चेंज कर लूंगी, इसी तरह से हम सिलाई के एंड तक बनाएंगे। अब देखें ये सीधी तरफ है तो यहाँ भी चार फिंदे हो जाएंगे, ये देखें। बाकी फिंदे इसी तरह से रहेंगे, जो जैसा कलर है वैसा ही बुनेंगे। देखो हमने फिंदे बढ़ा लिए हैं, टोटल हमारे पास ये 30 फिंदे हैं, तो ये बराबर फिंदे हैं। अब देखें आगे, अब हम फिंदे नहीं बढ़ाएंगे, तो एक रो हम इसी तरह से। अब देखें दो फिंदे ये वाइट हो जाएंगे, वाइट की जगह पे ये इसी तरह से बनाएंगे सिलाई के एंड तक। इधर से भी हमें पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करना है, जो जैसे कलर है वैसा ही। ये देखो हमने यहाँ तक बना लिया है, एक हमने पूरी इधर से एक इधर से, दो हमने सिलाई सादा सादा निकाल ली फिंदा बढ़ाने के बाद। अब देखें किस तरह से बनेगा आगे। यहाँ पे देखो दो का एक कर दिया। अब ये वाले फिंदे हैं वो कलर चेंज हो जाए, पूरी रो हम इसी तरीके से निकालेंगे। इधर से देखें एक फिंदे को हमें कम कर देना है इस तरीके से, अब जो जैसा कलर है वैसा ही। ये देखो फिर से इसी तरह से फिंदे को कम करना है, और कलर चेंज करते जाना है। तो मैं फिंदे कम कर लेती हूँ फिर आपको बताते हैं कि आगे हमें कितने फिंदे छोड़ने हैं। ये देखो यहाँ पे अभी 16 फिंदे हैं, चार फिंदे हमें और कम करना है, तो आप डिजाइन हम बंद कर देंगे, सिर्फ एक और डिजाइन को बनाएंगे और बंद कर देंगे, सिर्फ यही वाली लाइन में।
ये देखिए सिर्फ एक यहाँ पे बचेगा बचेगा, एक बाइट वाला बचा हुआ है। तो इसी तरह से इसको मैं ख़त्म कर दूंगी और चार सलाई इसकी निकालूंगी और चार फिंदे हमें कम करने हैं सिर्फ, तो चार फिंदे कम कर लेती हूँ। ये देखो यहाँ पे 12 फिंदे बचे हुए हैं, 12 फिंदे आपको रखना है। आप बड़ा बनाएंगी तो यहाँ पे 16 फिंदे रखेंगे, तो इसी तरह से यहाँ पे 16 फिंदे रखिएगा। अगर बड़ा बना रही हैं 40 फिंदे का बना रही हैं तो यहाँ पे 16 फिंदे रखिएगा। तो ये देखें आप क्या करेंगे, सादा सादा हमने यहाँ पे सिलाई निकाल ली। अब यहाँ पे देखें इस तरह से हम अंटा लगाते हुए एक फिंदे को बढ़ा लिया। अब यहाँ से वाइट कलर लगा लेंगे, अब यहाँ पे ये धागा लंबा हो जाएगा तो हमने यहाँ पे ज्वाइंट दूसरा धागा कर लिया। अब यहाँ पे इस तरह से फिर से अंटर लगाएंगे, एक फिंदे को बढ़ा लेंगे, बाकी फिंदे इसी तरह से रहेंगे। तो इधर मैं चार फिंदे बढ़ाऊंगी, चार फिंदे इधर बढ़ाऊंगी, तो मैं बढ़ा लेती हूँ फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने 8 सिलाई निकाल ली, 1 2 3 4 और चार चार फिंदे बढ़ा लिए हैं। अब देखो आगे हम किस तरह से देखें, यहाँ से फिंदे हमें फिर से बढ़ाना है। अब देखें एक हमने बिन लिया, दो, यहाँ पे देखो हमें हाफ हाफ फिंदे करने हैं, यहाँ पे दो बचे हैं, यहाँ पे देखो बाइट 6 है तो इधर भी हमने 6 फिंदे करे हुए हैं। एक हमने यहाँ से ये बढ़ाया है तो ये यहाँ पे 7 फिंदे हैं, जब हम इधर करेंगे तो इधर भी 7 फिंदे हो जाएंगे। अब देखें दो फिंदे यहाँ पे बीच में एक्स्ट्रा रखना है। अब देखें एक फिंदे को हमने इस तरह से कर लिया, एक फिंदे को यहाँ से हमने रख लिया है। अब फिर से देखें यहाँ पे एक फिंदे को बढ़ाना है और ये वाला फिंदा बाइट होता जाएगा। तो दो फिंदे मैंने बढ़ा लिए। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे हमने 2 का 1 कर देना है, उस इस वाले फिंदे को बिन लेना है इस तरीके से, इधर से उतार लिया। तो एक फिंदे को हमने कम कर दिया, एक यहाँ पे बढ़ती है फिंदे को। इसी तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ पे हम 4 लाइनें बनाएंगे, 2 लाइनें मैंने बना ली हैं, 2 और इसी तरह से बनाएंगे। तो बना लेती हूँ फिर मैं आपको। देखो हमने 4 सिलाई निकाल ली है, 4 इधर से 4 उधर से, तो यहाँ से 1 2 3 4। अब देखें यहाँ से 2 का 1 करते हुए ये सारे फिंदे उतार दें। इसी तरह से उतार लेती हूँ। एक तरफ का हिस्सा मैंने बना लिया है, इसी तरह से हमें इसको भी बनाना है। तो मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपको। तो मैंने बना ली है, इसको कंप्लीट कर ली है।